समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सभी हमारे विधायक नेता, आरएलडी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में तीनों दलों के सभी नेता कार्यकर्ता, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय बहन मायावती जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो आज अपील की है और अभी तक तो हम सब लोग मिलकर के गठबंधन के जो प्रत्याशी जगह जगह चुनाव लड़ रहे हैं उन सब के लिए अपील कर रहे थे और जो जन समर्थन मिल रहा है, जो जन सहयोग मिल रहा है उससे यकीन हो गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तो ये महागठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और साथ ही साथ देश में नई सरकार बनाने में सहयोग करने भी यही गठबंधन जा रहा है। जहां आजमगढ़, यहां के लोग, लोकसभा के क्षेत्र और आसपास के लोगों से कई मौकों पर कई बार मिलने का मौका मिला है। यहां जब कभी आजमगढ़ आए होंगे हम लोग कभी न कभी किसी के लिए सहयोग और मदद मांगने आए हैं और जब कभी भी अपील की होगी पार्टी की तरफ से आप सबने उनकी मदद की और उन्हें जिताने का काम किया। आज आजमगढ़ में हमें खुद मौका मिल रहा है आपके बीच में रहने का, आपके बीच में काम करने का। और जब आदरणीय मायावती जी ने भी अपील कर दी है कि रिकॉर्ड मतों से जिताएं तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारा मदद कर देना, सहयोग कर देना और ऐसा जिताना कि लगे कि यहां आजमगढ़ के लोगों ने वोट देकर के जिताया है। वैसे तो सामने वाला पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है, जहां सड़क है, गाड़ियां हैं और आगे तक लोग दिखाई दे रहे हैं। जो बायां पंडाल है वो भी भरा हुआ है, दायां पंडाल भरा पड़ा है, हमारा मंच नहीं दिखाई दे रहा दूसरा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हैं। जो हेलीपैड है उसके आसपास भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज के बाद जो संदेश गया है और जो लोग इतने देर से भूखे प्यासे और इस गर्मी में बैठे होंगे ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब आजमगढ़ और लालगंज से कोई जीतने वाला नहीं है, केवल गठबंधन जीतने जा रहा है। इसलिए बताओ साथियों, ऐतिहासिक मदद होगी कि नहीं होगी? और फिर ये धरती जो आजमगढ़ की है इसकी पहचान ही अलग है, इसकी पहचान अलग है। केवल यही नहीं बल्कि देश और दुनिया में यहां के लोगों ने मेहनत कर करके पहचान बनाने का काम किया है। अगर हम देखें तो जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है उसकी भी अगर कोई पहचान है तो वो हमारे आजमगढ़ के लोगों में दिखाई देती है। यहां सभी लोग मिलकर के रहते हैं और जिन जिन साथियों ने चुनाव देखा है और चुनाव के बारे में जो जानकारी मिली होगी, जो पहले चरण से चुनाव होता चला आ रहा है, हर चरण में गठबंधन आगे जा रहा है। अभी तक 5 चरण खत्म हुए हैं, 5 चरणों में गठबंधन आगे है और यहां के लोगों को 6वें में वोट डालना है। इसलिए 5 के जो चुनाव हुए वहां सब मदद मिली है, बताओ 6वें और 7वें में भी मदद होगी कि नहीं होगी?
और फिर हम आपसे इसलिए मदद मांगने आए हैं कि देश में बदलाव आने का समय है। ये जो लोग कह रहे हैं कि हम महामिलावटी हैं, ये महामिलावटी गठबंधन नहीं है, ये देश को महापरिवर्तन की ओर ले जाने वाला गठबंधन है। ये हमारे तमाम गरीब जो गांव में रह रहे हैं, जिन्हें आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिल पाया है, उन गरीबों को, किसानों को, हमारे दलित भाई, पिछड़े, अल्पसंख्यक, और जिन्हें आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिला, उनको हक और सम्मान दिलाने का भी ये गठबंधन है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने वादे किए और आज चुनाव जब है तो सब वादे भूल गए, आज वो अपने पुराने वादे याद नहीं कर रहे, वो अच्छे दिन वाली बात नहीं कर रहे, जो कहा उन्होंने कि हम किसानों की आय बढ़ा देंगे। बताओ हमारे किसान भाई बैठे होंगे, कितनों की आय बढ़ गई? जो लागत का डेढ़ गुना मुनाफा देना चाहते थे, वो मुनाफा नहीं मिला है। हमारे किसान इंतजार करते रहे कि शायद गरीब और किसान की खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसी सरकार निकली जिसने हमारे किसानों की बोरी से 5 किलो की भी चोरी कर ली। बताओ यूरिया और खाद की 5 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? हमारे यही नौजवान उम्मीद लगा करके बैठे थे कि नौकरी और रोजगार मिलेगा, और सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे वो जीएसटी का हो, कि आज नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां खत्म कर दी। जिन्होंने करोड़ों नौकरी देने की बात कही थी, उन्होंने करोड़ों नौकरियां छीनने का काम किया है। आज व्यापार ठप है, जो नारा दिया था मेक इन इंडिया, आज भारत में चीजें नहीं बन रही हैं, इन्होंने अपने ही लोगों को लाइसेंस दे करके चीन जैसे देश की मदद करने का काम किया है। आज वो नारे चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो स्किल इंडिया हो, सब नारे भूल गए। मुद्रा जैसी योजना चला करके किसी को लाभ नहीं पहुंचा पाए। और याद कीजिए, यही वो लोग हैं जो कभी चाय वाला बनकर के हमारे और आपके बीच में आए थे। चाय वाला बनकर के आए थे और धोखा दे दिया, और वही लोग अब चौकीदार बनकर के आ रहे हैं। जब चाय अच्छी नहीं निकली तो बताओ हमारे चौकीदारों ने क्या किया? और अगर ये बात जानते हो जो आप कह रहे हो, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? केवल चौकी छीनने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भी सबक सिखाना होगा। आज कानून व्यवस्था चौपट है, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो ठोक दो, और ऐसी ठोको नीति लाए हैं कि हमारी पुलिस नहीं समझ पा रही है किसको ठोकना है। कभी पुलिस बेगुनाहों को ठोक देती है, और कभी जनता को मौका मिल जाता है तो पुलिस को ठोक देती है। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। बताओ चौकीदार के साथ साथ ठोकीदार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये दो दो लोगों को हटाना है। जब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो याद है ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कहने लगे, कि हमारे लिए कहने लगे, जाइए, अगर संविधान नहीं होता तो गाय और भैंस चलाना पड़ता। याद है कि नहीं याद है आपको?
सोचो ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या रखते हैं हमारे और आपके बीच में, क्या समझ रखते हैं हमारे और आपके लिए। और अगर ये हमें और हमारे लिए सोच रख सकते हैं तो सोचो कोई पाल समाज के लोग होंगे उनके बारे में क्या सोचते होंगे, ये प्रजापति समाज के लोग होंगे उनके बारे में क्या सोचते होंगे, कोई हमारे चौहान समाज के लोग होंगे उनके बारे में क्या सोचते होंगे, राजभर समाज के भी लोग होंगे, निषाद समाज के लोग भी होंगे, और सोचो जो सबसे ज्यादा गरीब हैं हमारे अल्पसंख्यक भी हैं दलित भाई उनके बारे में क्या सोचते होंगे ये लोग। और अगर संविधान नहीं होता तो सोचो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनते तो बताओ कहां होते। तो ये भी कहीं मठ में जाकर के घंटा बजा रहे होते। इसलिए इन लोगों की भाषा बदली है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, इन पे मुद्दे नहीं हैं, जो मुद्दे इन्होंने रखे थे जनता के बीच में उनको 5 साल में कोई पूरा नहीं किया है, इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं। और उन्हें पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है, पूरा मन बना रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। लोग दुखी हैं, नाराज हैं इनसे, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने अपनी सरकार धोखे और नफरत की नींव पर बनाई है, हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। अगर ये शिक्षा मित्र लोग खड़े हैं इन्हें भी धोखा दिया, हर वर्ग चाहे वो कोई हो, किसान हो धोखा दिया, नौजवान है उन्हें धोखा दिया, और फिर नफरत फैला करके समाज को बांटने का काम किया, जैसे कभी अंग्रेजों ने बांटा था वैसे ये हमें और आपको बांटना चाहते हैं। लेकिन ये गठबंधन मजबूत है, उनकी भाषा से बटने वाला नहीं है, और जब तक गठबंधन इनको सबक नहीं सिखा लेगा तब तक आगे बढ़ता रहेगा, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं आजमगढ़ के लोगों से। वैसे तो प्रदेश और देश में हर जगह चुनाव है, हर जगह चुनाव चल रहा है, हम लोग बहुत जगह गए हैं लोगों के समर्थन में सहयोग मांगने, लेकिन हम आपसे अपने लिए और गठबंधन के प्रत्याशी जो दूसरी लोकसभा की हैं संगीता, उनके लिए भी मदद मांगने आए हैं। जहां लालगंज से उन्हें जिताएं जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव चिन्ह हाथी है, और हम भी आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, बताओ हमारा सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, और आपके भरोसे पे चुनाव लड़ने आए हैं, आपके सबके भरोसे पे। ये सही है कि चुनाव लड़ाते लड़ाते प्रचार करते समय मौका नहीं मिला आपके बीच में, लेकिन हम जानते हैं कि आजमगढ़ के लोग एक बार जो फैसला ले लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते हैं, और अगर आपने फैसला ले लिया है तो हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके बीच में रह करके, आपके बीच में मदद कर करके, आपका सम्मान कर करके, आपका सहयोग करने का, और साथ ही साथ आजमगढ़ कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए उसके लिए लगातार आपके साथ काम करेंगे। क्योंकि लोकसभा और जिस लोकसभा से लड़े हैं वहां के लोगों से रिश्ता नया बन जाता है, और यहां के लोगों से तो समाजवादी रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है यहां की जनता पर कि जिस दिन वोट पड़ेंगे और जब परिणाम आएगा तो ऐतिहासिक परिणाम आएगा। और काम का जहां तक सवाल है, समाजवादी कभी पीछे नहीं हटे, और बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत काम किया है,
चाहे सड़कें बनाने की बात रही हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात रही हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने की बात रही हो, और चाहे यही पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे जो आपके बीच से गुजर करके जा रहा है, ये समाजवादियों ने दिया था इसलिए कि आपको भी हम लखनऊ और दिल्ली से जोड़ दें, अच्छी सड़क से जुड़ जाएं। ये ऐतिहासिक सड़क है, समाजवादियों की सरकार होती तो अभी तक तो बन गया होता, लेकिन अब दूसरी सरकार काम कर रही है, धीमे धीमे काम कर रही है। ये सड़क ये आपको लखनऊ से भी जोड़ रही है, दिल्ली से भी जोड़ रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे बनकर के आ रहा है ये लखनऊ और दिल्ली तक जुड़ रहा है, और ये गठबंधन भी लखनऊ और दिल्ली से जुड़ने जा रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि नई सरकार बनेगी, हम गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नया प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि पुराने प्रधानमंत्री फेल हो चुके, अब देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए, और ये गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया। मुझे भरोसा है कि आपका सहयोग, आपका स्नेह मुझे मिलेगा, और वोट एक एक कर करके साइकिल के पक्ष में और हाथी चुनाव में डाल देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।